हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी खबर है। श्री गुरु नानक राम राय में TET, PGT, PRT म्यूजिक टीचर डाटा ऑपरेटर की यहाँ पे भर्ती आई हुई है। अगर आपने यहाँ पर BEd किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है, कितने का फॉर्म है और कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जो श्री गुरु राम राय जो पब्लिक स्कूल है, यहाँ पर जो फॉर्म निकले हुए हैं इसमें TGT, PGT और यहाँ पे PRT म्यूजिक टीचर, इन सभी के लिए निकले हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि PGT में अगर हम बात करें, यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, तो PGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, पेंटिंग, साइकोलॉजी और यहाँ पे होम साइंस, एग्रीकल्चर, कॉमर्स, इन सभी के लिए यहाँ पे पोस्ट दी गई है। PGT के लिए अगर आपने यहाँ पर PGT के लिए अगर आपने PG किया हुआ है और अगर आप BEd हैं तो आप इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी लिखा गया है कि अगर आपने यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG किया हुआ है और आपने BEd किया हुआ है तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि BEd इसके लिए कंपलसरी है, तो आपको BEd होना बहुत ज़रूरी है तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर TGT की, तो TGT अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश में और यहाँ पर देखें विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट, अगर आपका एक सब्जेक्ट अगर उसमें इंग्लिश है तो आप यहाँ पे TGT इंग्लिश के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में आपका BEd होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है TGT में इंग्लिश का पोस्ट है, यहाँ पे हिंदी की है, PCM का है, CBZ अगर आपने बायो से किया है, PCM अगर मैथ वाला है तो आपके लिए यहाँ पे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आपकी थी तो आप इसके लिए कर सकते हैं। PCM के लिए CBZ यानी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी आपकी, तो TGT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं सोशल साइंस की कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ यहाँ पे PTI की है, PET की है। वहीं अगर हम बात करें तो TGT में यहाँ पे फिट कंप्यूटर की है और साथ ही यहाँ पे म्यूजिक टीचर का है। तो म्यूजिक टीचर के लिए देखिए आपको यहाँ पे BA में म्यूजिक चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे PRT की, तो PRT का भी यहाँ पर आया हुआ है पोस्ट। इसके साथ साथ PRT में मैथ और साइंस की भी है। इसके अलावा यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर की है और इसके साथ साथ यहाँ पे डाटा ऑपरेटर क्लर्क की भी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है। तो देखिए इस प्रकार से आपको इधर यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिया हुआ है कि अगर आप जिस पोस्ट के लिए भी आप भरना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे क्वालिफिकेशन जरूर देख लें। इसमें क्वालिफिकेशन में अगर वही है कि अगर आपने यहाँ पे PGT का फॉर्म भरना है तो आपका PG होना ज़रूरी है और साथ में BEd। लेकिन अगर आप TGT के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में BEd होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे TET की बात भी की गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसके बाद हम पहले बात करते हैं यहाँ पे एज की, तो अगर आपका 42 ईयर तक अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसमें यहाँ पे क्वालिफाई के लिए अगर आप TGT के लिए भरते हैं तो TGT के लिए यहाँ पे दिया गया है या तो आपका CTET होना चाहिए और या फिर कोई भी TET ये आपका होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी स्टेट टेस्ट TET हो, यानी UTET हो या फिर CTET हो, इनमें से कोई भी अगर TET है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो ये एप्लीकेशन है, ये फॉर्म का जो आवेदन है, ये आपको यहाँ पे द मैनेजर श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन झंडा साहिब देहरादून के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट करना है। और ये आपके जो फॉर्म है ये 15 तारीख से पहले पहुँचना चाहिए, यानी 15 मार्च 2019 से पहले पहुँच जाना चाहिए। फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन की जो फ़ीस है ये यहाँ पर 300 रुपये रखी गई है। प्रत्येक पोस्ट के लिए 300 रखी गई है। आप एक से अगर अधिक पोस्ट के लिए भरते हैं तो आपको हर के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसा अगर आप PGT के लिए भी चाहते हैं कि हम PGT के लिए फॉर्म भर दें और TGT के लिए भरना चाहते हैं तो सभी फॉर्म के लिए 300-300 रुपये आपको यहाँ पे करने होंगे। इसके बाद बात करें तो हम जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आप इसको फॉर्म को फिलअप करके और इसमें इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन होगा वो दो प्रकार से होगा। यहाँ पर जैसे अगर PGT की बात करें तो आपका पेपर होगा और उसके बाद यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू और पेपर के से आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे दिया गया कि द रिटन टेस्ट विल बी कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट 80%। तो देखिए इसके साथ साथ 80% आपका सब्जेक्ट ही होगा और 20% जो है वो इंटरव्यू के लिए यहाँ पे दिया गया। तो इस प्रकार से होगा। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्म की, तो जो फॉर्म है ये आपका ऑफलाइन है। और देखिए यहाँ पे इस प्रकार से फॉर्म दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना है।
पोस्ट कोड आपके लिए किसके लिए भरना है, यहाँ पे आपको टिक लगाना पड़ेगा। TGT के लिए भरना है, PGT के लिए भरना है, PRT के लिए, तो आप इस पर टिक लगा दें, इनमें से किसी भी आपको भरना है। इसके बाद सब्जेक्ट का नाम भरें, यहाँ पर आप भर सकते हैं यूपी से, पंजाब से, दिल्ली से, उत्तराखंड हिल से, देहरादून से, तो आप कहीं से भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकानी है, और यहाँ पर आप बता सकते हैं मेल फीमेल जो भी है, आपका अपना यहाँ पे एज लिखना है, 1/7/2019 के अनुसार आपको अपना डेट ऑफ बर्थ निकाल लेनी है कि इतने कितने दिन है। इसके बाद आपको मैरिड स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। इसके बाद आपको पोस्टल एड्रेस लिखना है, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको यहाँ पर 10th 12th बीए बीएससी एमए एमएससी बीएड, इन सभी का आपको यहाँ पर डिटेल लिखना है। इसके बाद अगर आपने TGT के लिए भर रहे हैं तो आपको CTET या स्टेट टेस्ट का यहाँ पे क्वालिफाई मार्क लिखना है। अगर आपने क्वालिफाई किया तो यस, अगर नहीं किया तो नो। इसके बाद इसमें कोई नंबर नंबर नहीं डालना, आपको खाली यस और नो लिखना है। इसके बाद यहाँ पे बात करें टीचिंग, अगर आपने कहीं स्कूल में पढ़ा रहे हैं और अगर आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप उसको डाल सकते हैं कि कहाँ पे पढ़ा रहे हैं, या आपने कहीं पे पढ़ाया हुआ है तो किस क्लास को पढ़ाया है, क्या सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे और कब से कब तक आपने पढ़ाया वहाँ पे, इसका आपको एक्सपीरियंस लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे जो चालान कटवाना है, या आप SBI PNB से, केवल SBI और PNB से 300 का आप ड्राफ्ट कटवा सकते हैं, और वो आप यहाँ पे ड्राफ्ट का नंबर लिखना है आपको और अमाउंट लिखना है, ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे सिग्नेचर करके ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा फॉर्म और भी है, यही आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो इसको भी आपको भर देना है। पोस्ट लिखना है, पोस्ट कोड, सब्जेक्ट, फ़ोटो एक चिपकानी है आपको, और कहाँ पे आपका सेंटर है या कहाँ से आप भर रहे हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। इसके बाद अपना नाम, पोस्टल एड्रेस, तो यही जो है, यही फॉर्म जो है, ये आपका आपके घर पर आएगा, और यही क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड होगा। तो ये एडमिट कार्ड है, वो फॉर्म है, इन दोनों को भर करके आपको पोस्ट कर देना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये फॉर्म आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको मैं बताता हूँ, आप इसको SGRR की जो साइट है इस पर भी आप जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको SGRR की साइट पर कहाँ पर मिलेगा, तो चलिए आपको बताता हूँ। मैं को यहाँ पे गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको SGRR वैकेंसी टाइप करके यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे आप SGRR वैकेंसी करके सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, आपको ये साइट ज़रूर देखनी है, यहाँ पे श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन लिखा होगा। आपको श्री गुरु राम राय, ना तो आपको कॉलेज पे जाना है ना ही किसी अन्य वेबसाइट पे जाना है, आपको ये ज़रूर इस पे जाना है, आपको श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये ऑफिशियल साइट SGRR की खुल जाती है। यहाँ पे आपको लिखा होगा श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन लिखा है यहाँ पर, और अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ टीचर इन SGRR पब्लिक स्कूल लोकेटेड इन उत्तराखंड, यूपी, पंजाब एंड दिल्ली। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आप लोग यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये देखिए जो यहाँ पर लिंक खुली है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, और इसी में जो हमने अभी आपको बताया, ये देखिए ये डाउनलोड हो चुका है, और यहीं पर आपको ये पूरा का पूरा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लें एक बार ज़रूर, और इसको पढ़ने के बाद ही आप क्या करें कि इस फॉर्म को फिलअप करके आप पोस्ट कर सकते हैं, और अपने सब्जेक्ट के लिए, और यहाँ पर आप एडमिट कार्ड के लिए भी इसको एडमिट कार्ड भी अपना फिलअप कर दें, और इसके बाद आपको इसका पेपर होगा, और आपका जो PGT अगर के लिए कर रहे हैं तो आपका यहाँ पर इंटरव्यू और रिटर्न के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।